हेलो फ्रेंड्स, अमर्त्या कुमार अदर्स हियर एंड आई हैव सिक्योर्ड 156 रैंक इन बीपीएससी 63rd एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट असिस्ट टैक्स कमिश्नर इन बिहार। दोस्तों, आज इस लेक्चर के माध्यम से जो है आपको ये चीज़ बताऊंगा कि बीपीएससी में आंसर को कैसे लिखना है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे आंसर जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप पहले कभी ना पढ़े होते हैं ना पहले कभी सुने होते हैं, ऐसा कभी एग्ज़ाम में आपको लगता है उस तरह के क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे अगर कंडीशन ये रहे बीपीएससी में, क्योंकि वहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछते हैं और आपको 8 लिखना होता है। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन को लिखना पड़े जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, शायद आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, कभी कभी ऐसा होता है, सरप्राइज एलिमेंट ऑलवेज देयर, तो आप किस तरह से उस चीज़ सिचुएशन को आप बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मेंस के नुआंसेस के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, आपको फॉर्मेट बताऊंगा, बिकॉज मेंस इज़ ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग द योर इन्फॉर्मेशन इन द पेपर। तो आपको जो पेपर में जो है इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है एंड एज वेल एज जो है किस तरह से फॉर्मेट में लिखना है ये भी बताऊँगा। तो आप जो है ये मेरे लेक्चर जो है आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर जो है आप देख रहे हैं, और आप मेरे और भी लेक्चर इस पर जो है दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर मैंने 3-4 और बनाए हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल एज मेंस आंसर राइटिंग, मेंस टॉपिक एट्सेट्रा चीज़ें। और आप मुझे जो है एडी अदर्स मैसेंजर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, एज वेल एज जो है आप मुझे amartya.at@gmail.com पर आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन क्वारी। एंड तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक का जो सेशन है कि किस तरह से आंसर को आप लिखेंगे। तो मैं एक पहले क्वेश्चन लूँगा, उससे आपको बताऊँगा कि आपको क्या लिखना है एग्ज़ाम में और किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन 60-62 में कहा था कि नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करना है बट एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स को बढ़ाना है। मेन इशू आज के डेट में आ रहा है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में इंडिया में, क्या मेन इशू आ रहा है कि रोजगार तो देना ही देना है, साथ साथ रोजगार लेने की क्षमता को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ जो है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। इस स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिए, साथ ही साथ ये कीजिए कि आप रेफरेंस किसका देंगे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ। आप नॉलेज का रेफरेंस देंगे, स्किल डेवलपमेंट का रेफरेंस देंगे, साथ ही साथ आप क्वालिटी एजुकेशन का रेफरेंस देंगे और ट्रेनिंग का देंगे। और ये बताएं आप कि किस तरह से जो है 2000 के बाद जो है जो ट्रेंड जो है और इम्प्लीकेशन जो है किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का जो है जनरेशन का चेंज हुआ, उसके पहले क्या था एंड आफ्टर 2000 क्या हुआ। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, क्योंकि 62nd का जो क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ कि आप 60-62 के क्वेश्चन अगर पेपर 2 के सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी के, तो आपको एक अच्छा डेप्थ मिलेगा कि आप जो है बीपीएससी को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखते हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई भी मिले तो सबसे पहले उसके की वर्ड्स को जो है आप अंडरलाइन करें, है ना, क्वेश्चन में आप देख लीजिए, हल्का से आप मार्क कर लीजिए। तो इसका की वर्ड क्या है जो आपको लिखना क्या क्या है, आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं या भूल जाते हैं कि क्या करना अगर आपको नहीं आता है, डरने की बात नहीं। सबसे पहले आप उसके कीवर्ड को हाईलाइट करें, जिसमें इसमें कीवर्ड है एम्प्लॉयमेंट, आप उसको हाईलाइट करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स को हाईलाइट करेंगे, तीसरा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट करेंगे, चौथा जो है आप नॉलेज स्किल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, इन चारों को ऊपर आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको लिखना है ट्रेंड एंड उसके साथ साथ जो है आपको सेक्टर वाइज लिखना है। सेक्टर वाइज इसने पूछा 2000 के बाद, सेक्टर वाइज का मतलब होता है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो इस क्वेश्चन में ये 7 हेडिंग है, सब हेडिंग है जो आपको टच करना है, लिखना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको लिखना है, नॉलेज के ऊपर, स्किल एजुकेशन के ऊपर लिखना है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर लिखना है, ट्रेनिंग के ऊपर लिखना है, साथ साथ जो है ट्रेंड एंड एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है, सेक्टर वाइज आपको लिखना है। हाँ, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट का आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, या कोई स्किल रिपोर्ट आगे गवर्नमेंट के आप उसको कोट कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक सर्वे का कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डाटा वो लिख सकते हैं, किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा वो लिख सकते हैं, आप जो है कोई भी डाटा को आप लिख सकते हैं या उसको डिफाइन कर दीजिए आप, है ना, आप ये काम कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपको अदर पोर्शन को कैसे करना है। तो बॉडी पार्ट में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि सब हेडिंग्स के ऊपर आपको लिखना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए है कि आप एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयबिलिटी आप कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी का आप डेफिनेशन लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको एड्रेस करना है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको एंगल पर लिखना है नॉलेज, आप किस तरह से नॉलेज इन्हांस करेंगे, है ना, जो एम्प्लॉय है उसका नॉलेज कैसे इन्हांस करेंगे,
अब उनको स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो उसमें सरकार की स्कीम्स लिखें आप, है ना। उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है उसको आप लिखेंगे। ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, सरकार की स्कीम से पार्टिकुलर स्पेसिफिक आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे बजट में भर भर के मिलेगा आपको इसका इन्फॉर्मेशन, वहां से आप प्रिपेयर कर ले इसका रॉ मटेरियल। ये तो आपका हो गया काम की लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। अब बात आती है कि किस तरह से जो है आपको जो है ये करना है ना। तो सेक्टर वाइज आपको एक क्वेश्चन ने पूछा है कि सेक्टर वाइज आप कैसे करेंगे, तो एग्रीकल्चर में आप लिखे कि 2000 के बाद क्या एडवांसमेंट हुआ है, 2000 के पहले क्या था। जैसे 2000 के पहले एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल एक रॉ बात किया जाए, तो गवर्नमेंट का पूरा इंटेंशन था कि उनको जो है क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, है ना, फिजिकली नीड्स, फिजिकली जो उनके जो गुड्स हैं या फिजिकली जो उनके पास जो चीजें हैं वेज हैं उनको जो है सब्सिडी के माध्यम से या फिर डायरेक्टली उनको पहुंचाया जाए। आफ्टर 2000 क्या हुआ, गवर्नमेंट का अप्रोच थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है कि उनको क्या करना है कि उनको खुद से इम्पावर्ड करना है ना, उनको जो है खुद से जो है डिमांड बनाना, खुद से एक डिमांड बने, वो खुद से एक मांग बने। तो मांग कैसे बनेगा, जब बंदा कोई एजुकेटेड होगा, जब बंदा कोई स्किल्ड होगा, जब बंदा कोई नॉलेजफुल होगा, तभी तो वो डिमांड है, तभी तो उसको कोई जो है परचेज करेगा, कहीं उसको काम मिल सकता है। तो सरकार इसी के माध्यम से, इम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, रोजगार का मतलब होता है कहीं हम काम कर रहे हैं, इम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि हमें क्षमता है, रोजगार लेने की क्षमता है, तो उसको बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, एजुकेशन के माध्यम से, स्किल के माध्यम से, साथ साथ जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से। सेक्टर वाइज आप लिखेंगे एग्रीकल्चर में 2000 के पहले क्या था, किस तरह से जो है लोग को मतलब कि एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या था, इनपुट इनपुट में क्या क्या डालते थे लोग, आउटपुट का क्या स्ट्रक्चर था। अब इनपुट का क्या था, पहले क्या मैकेनाइज जो है सीडिंग नहीं था, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, अफ्टर 2001 इसका पेस बढ़ गया, तो ऐसे आप लिखेंगे इसको, कंटेम्प्ररी एंड प्रीवियस को लिखना है। दूसरी चीजें लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो है किस तरह से जो है आउटपुट का, किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आफ्टर 2000, तो टेक्नोलॉजी का देखेंगे हम। फिर इम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखेंगे पहले क्या था, सिर्फ जो है आप एक जो है एकेडमिक डिग्री से आपको जॉब मिलती थी, बट नाउ डेज आपको क्या है, अप्रेंटिसशिप एज वेल एज आपको टेक्निकल जो है आपकी एक्सपीरियंस चाहिए, साथ साथ एज वेल आपको वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है, साथ साथ एक्स्ट्रा आपके पास कोई जो है वर्किंग नॉलेज है तो वो काउंट होता है। तो इस तरह की चीजों का जो है डिमांड जो है बढ़ा है। तो किस तरह से जो है आप डिमांड बढ़ाएंगे सेक्टर वाइज, एग्रीकल्चर में लिखेंगे आप 2000 के पहले 2000 के बाद में, उसके साथ साथ लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे क्या उसका फॉर्मेट था इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का, किस तरह से उसके नेचर में चेंजिंग आया, सर्विस सेक्टर में किस तरह की चेंजिंग आया, हेल्थ एजुकेशन एंड आप जो है हेल्थ एजुकेशन और आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो इस तरह की चीजें आप लिखेंगे। उसके बाद आप चैलेंजेज लिखेंगे, क्या क्या चैलेंजेज आ रहा है, सरकार ने इन चीजों की कोशिश की आफ्टर 2000 इसको करने, बट फिर भी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चैलेंजेज लिखे कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के भी सरकार का ध्यान है, स्किल के लिए भी सरकार काम कर रही, ट्रेनिंग भी दे रही, बट फिर भी हम डिजायर्ड आउटकम नहीं अचीव कर पा रहे, तो व्हाट इज द रीजन। तो चैलेंजेज आप लिखें, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लिखे वे फॉरवर्ड में इकोनॉमिक सर्वे, कोई इंपॉर्टेंट कोई राइटर है लाइक अमर सेन का आपको मिल जाएगा, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड स्किल रिलेटेड है, फिर रिपोर्ट्स है कोई यूएनओ का या गवर्नमेंट का, तो उस तरह की रिपोर्ट्स को आप लिख के आप जो सजेशन दे सकते हैं। कंक्लूजन में जो है आप हमेशा करेंगे कंक्लूजन, देखिए कोई भी चीज इकोनॉमिक है या फिर ज्योग्राफी टॉपिक या एडमिनिस्ट्रेशन का, चार पांच कीवर्ड में आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो आपको ऑलवेज काम आएंगे। अब हर चीज का, कोई भी स्किल का आ गया, एजुकेशन का आ गया, सबसे पहले तो आप लिखिए कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का रिक्वायरमेंट है, दूसरा चीज लिखे कि बॉटम अप अप्रोच आपको करना है, तीसरा लिखे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जरूरी है, चौथा लिखे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का करना जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर फीडबैक एंड मॉनिटरिंग का करना जरूरी है, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन जरूरी है ना, ये सब कीवर्ड्स को आप ऑलवेज लिखें कहीं भी, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो इन सब चीजों को आप लिखें और कंक्लूड कर दें, तो इस तरह के आप क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी तरह के क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया है, कोई भी मेंस का क्वेश्चन आया अगर आपको नहीं आता, टेंशन वाली बात नहीं है, उसके कीवर्ड को आप हाईलाइट करें सबसे पहले, और उसका पहले डेफिनेशन लिख दें या तो उसका कोई डाटा लिख दें। अगर आपको डाटा में कैसे बाजीगरी करनी है आपको पता नहीं है और आपको डाटा लिखने का इच्छा है और आप जो है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप अप्रॉक्स लिख के लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि लेस देन 100%, आप नाम तो लिख ही दे सीधा, आईपीसीसी का है तो आईपीसीसी अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट लिख दें, एग्जैक्ट किसी को डाटा एकदम पॉइंट में नहीं पता होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे और आप लिख सकते हैं, ठीक है, एडीआर की रिपोर्ट लिखना है, सपोज दैट एडीआर का रिपोर्ट लिखना है कि कितने परसेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में है, ना, जो एमपीएमएलएज की बात चल रही है, तो उसमें आप जो है डाटा लिखने से बचे, ठीक है, या जैसे कि आपको डाटा याद नहीं है तो मोर देन 50, मोर देन हाफ या लेस देन
1/3 ऐसे करके आप निकल जाए, प्रॉपर डाटा लिखने के चक्कर में ना पड़े, या कोई न्यूज आप लिख के निकल जाए रिसेंटली, सपोज दैट स्किल इंडिया के बारे में है, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन सो एंड सो प्लेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब आता है कि क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, क्वेश्चन को प्रॉपर एड्रेस करें, जैसे क्वेश्चन को भागे नहीं, आप ओवरऑल मत लिख दें, उनके हर पार्ट को लिखें, हर टेल को लिखें, आपको नंबर बहुत मिलेगा। तो आप जो है उसको लिखें और साथ साथ उसके अलग एंगल को लिखें। तो अलग एंगल लिखने का एक ट्रिक है पेस्टल, पेस्टल सब लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग को आज पता चलेगा। पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल एंड लीजक या लॉजिकल, कुछ भी इस तरह का चीज है, या इन्वायरमेंटल आज के डेट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड एंगल आप लिखें। और उसके बाद आप चैलेंजेज लिखें, फिर उसके बाद चैलेंजेज में आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से चैलेंज क्या क्या आ रहा है, गवर्नमेंट को मेजर लिए तो या टॉपिक है तो, फिर उसको हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आप अपना नाम नहीं लिखे, आप जो है सेकंड आर का पॉलिटिकल क्वेश्चन तो सेकंड आर रिपोर्ट लिखे, एडीआर रिपोर्ट लिखे, इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट लिखिए, अगर आपको इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट लिखिए, और नॉन ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिपोर्ट लिख दीजिए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, ऐसा लिखें। पॉवर्टी का है तो आप UNDP का लिखें, तो इस तरह से आप लिखें, सजेशन लिखिए कि क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको ये पता अगर कभी ऐसा आ गया कि वे फॉरवर्ड में सर मुझे इंस्टीट्यूशन का नाम तो पता है लेकिन उसका सजेशन भूल गया हूँ, तो कॉमन सजेशंस होते हैं, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। अगर जैसे मैं अगर सेकंड आर्ग लिखूं और मुझे गवर्नेंस पे ज़्यादा पता नहीं है कि उसने क्या गवर्नेंस पे बोला होगा, बट मैं लिख दूंगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू सेकंड आरसी रिपोर्ट इट हैज टू बी फोकस्ड ऑन द पार्टिसिपेटरी अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो कहीं उसने भी वही यूज किया होगा, तो ये चीज़ आपको कहीं से भी आप लिख दें। आप जैसे IPCC की रिपोर्ट है, मुझे इन्वायरमेंटल पे लिखना है और मुझे पता नहीं है ना ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पर कि उसने एग्जैक्ट क्या बोला होगा, बट मैं बोल दूंगा कि अकॉर्डिंग टू IPCC 5th रिपोर्ट इट हैज बीन मेंशन डैट कि वी हैव टू फोकस ऑन अडॉप्टेशन मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस एक्सेट्रा चीजें, है ना। तीन सब चीजों को आप कीवर्ड्स को सिर्फ याद रखें, कहीं भी आप रिपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल कर दें, डाटा एग्जैक्ट लिखने से बचें। अगर डाटा एग्जैक्ट गलत आप लिख रहे हैं तब दिक्कत है। कंक्लूजन ऑलवेज मैंने बोला फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कंस्टीट्यूशनल होना चाहिए एंड बेस्ड ऑन प्रीएम्बल होना चाहिए, मल्टीपल जिसको बोल सकते हैं इंक्लूसिव कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आप सोशल पे लिख रहे हैं कंक्लूजन, सोशल का कोई इशू है तो उसमें आप वुमेन को शामिल करें, ओल्ड एज को शामिल करें, सीनियर सिटीजन को शामिल करें, चाइल्ड को शामिल करें एंड विडोज को शामिल करें, एडोलेसेंट को, जुवेनाइल को शामिल करें, मतलब इतना एंगल से आप लिखें कि वो क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई हो। इकोनॉमी पर आप लिख रहे हैं तो इकोनॉमी पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का जिक्र करें, एग्रीकल्चर का किस तरह से आप जनरेशन कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में किस तरह चेंजेज आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव हो सकता है, तो जो भी टॉपिक रहे उसके रिलेटेड उसके सब पार्ट्स को एड्रेस करें। एनवायरमेंटल की बात करें तो एनिमल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्लांट पे क्या पड़ेगा, पीपल पे क्या पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें आप लिखें, उसको कोट लेके आ। मेन बात है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें। मेन सेंसर राइटिंग में जो सबसे ज्यादा नंबर आने के रीजन्स है कि आप पैरा भी लिख रहे हैं तो आप पैरा को अगर एक टॉपिक को आपने लिया पैरा में फिनिश करें, एक ही पैरा में चार टॉपिक इकोनॉमिकल सोशल मत लिखे, इकोनॉमी का अलग पैरा लिखे, पॉलिटिकल का अलग पैरा लिखे। अगर आप बुलेट में लिख रहे हैं तब तो फिर वेल एंड गुड है, आप लिख दीजिए। हाँ, और क्या कर सकते हैं कि आप न्यूमोनिक्स प्रॉपर यूज करें, न्यूमोनिक्स अगर आपको मिल रहा है तो आप यूज करें, जस्ट लाइक कि ब्रिक्स हो गया, रिक्स हो गया, हमने अभी साइड बताया, इस तरह की आप बनाएं अपना पर्सनल। जैसे कि सपोज मैंने बना लिया कि इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने ट्रिक बनाया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया एंड उसके साथ अर्बनाइजेशन हो गया, तो जैसे कि IDE करके ऐसा समथिंग कुछ आप एक ऐसा बनाए कि जो आपको याद रहे। जैसे अभी मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत का बताया था, साइड मैंने बना लिया, साइड से हो गया आपको सप्लाई हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डी से हो गया डेवलपमेंट हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, है ना, डिमांड हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं, साइड मैंने बना लिया आत्मनिर्भर भारत का, तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें रिटेन करने में मदद मिलेगी। आप जब भी लिखें याद रखें एक लाइन का आंसर, मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या करें मल्टी डायमेंशन लिख दें, और साथ ही साथ आप क्या करें कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लिख दें। मल्टी डायमेंशन का आपने ट्रिक दे दिया, मैंने पेस्टल दे दिया है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल और लॉजिक लीगल, ये सब चीजें जो इन्वायरमेंटल, आज के डेट में एंगल जोड़ना जरूरी है, इन्वायरमेंटल लिख दिए आप, ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड लिख दीजिए, वो एंगल आपका पूरा हो गया। और उस तरह के टॉपिक जिसमें कि कीवर्ड रिक्वायर्ड है, कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेंस में नंबर आने के रीजन क्या होते हैं, अब जैसे मैं बात करूं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में कंप्यूटेशन आप नहीं लिखेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी में आप जो ऐसे लिखेंगे कि बिग डेटा आप नहीं यूज करेंगे, मशीन लैंग्वेज नहीं लिखेंगे आप, उसके साथ साथ जो है आप 4th IR का जिक्र नहीं करेंगे, तो इन सिर्फ उसके कीवर्ड है। अभी COVID-19 का रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है, एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुने, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बार बार सुने लेक्चर को, अगर आपको लगातार लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो आप उसको लगातार सुनेंगे 2-3 बार तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। जैसे COVID-19 की बात चल रही है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है,
उसके बाद जो है यूज ऑफ सैनिटाइजर, यूज ऑफ मास्क, ठीक है, देन आफ्टर जो है पब्लिक गैदरिंग हो गया, उसके बाद जो है पीपी किट हो गया, एंड ये सब चीज़ें जो है कीवर्ड्स है, पीपी किट, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, है ना, उसके साथ साथ आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कंटेनमेंट जोन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यू हैव टू मैंशन इन द राइटिंग अबाउट द कोविड-19। अगर आप नहीं लिखते हैं तो लगेगा नहीं कि आंसर कोविड-19 के ऊपर है, तो इन तरह की चीज़ों को आप फोकस करें। एंड नेवर द लेस ये बात है लास्ट में यही है कि मेंस जो है एक थॉट प्रोसेस का एग्जाम है, और आप जो है ज़्यादा पढ़ के इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स ऐसा नहीं गारंटी किया जाएगा, तो आप अपने तैयारी को स्ट्रीमलाइन करें, अभी लिमिटेड ही पढ़ें, जो पढ़ रखे हैं ज़्यादा तो अभी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो लिमिटेड ही पढ़ें, जो मैंने पहले बताया। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर यहाँ से अगर हमारी तरफ से एडवाइस चाहते हैं कि मेंस में सर कुछ भी नहीं किया और मुझे क्लियर करना है, पहला है कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है जीएस मेंस का, उसको सॉल्व करके याद कर लीजिए, और ऑप्शनल का याद कर लीजिए, यहाँ से आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एग्जाम में। और थर्ड, जो मैंने टॉपिक बताया करंट अफेयर्स का, रिलेटेड पेपर 1 पेपर 2 का, स्टैटिक भी उसमें शामिल है, तो अगर तीन चीज़ यहाँ से करते हैं, अगर लिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जीएस पूरा बना लीजिए, दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑप्शनल बना लीजिए, और थर्ड जो है करंट अफेयर टॉपिक्स जो मैंने बताया 30-40-50 टॉपिक जो भी है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, इतना बहुत है अभी के लिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो भी जो कहने का मतलब तैयारी जो है आप जो है बिलीव रखें कि मतलब इतना तैयारी में एग्जाम हो जाएगा, है ना, वहाँ पे चीज़ों को आप लिखने के ऊपर जो है सोचने के ऊपर आप जो है न्यूमेरिक्स पहले से बना के रखें, फॉर्मेट पहले से बना के रखें, एंड अगर आप जो है बिलीव रखते हैं कि आपको हो जाएगा सिलेक्शन तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा, क्योंकि आपका यही सोच अभी आपके काम आने वाला है, तो आप प्रिपेयर हार्ड, आप हार्ड तरीके से प्रिपेयर करें, है ना, घंटे में मत पढ़ें कि घंटे कितना पढ़ रहे हैं, आपका पूरा कवरेज होना चाहिए सिलेबस का, आप जो चाह रहे हैं चार चीज़ हो गया, चार चीज़ आपका स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, मॉक टेस्ट, दो तीन जो प्रीवियस ईयर का मैंने बताया आप लिख दीजिए, और साथ ही साथ जो है आप रिवीजन करें मल्टीपल टाइम, 10 बार 20 बार 50 बार आप कर सकते हैं तो करें, जितना आप कर सकते हैं करें, उतना ज़्यादा आपका जो फैब्रिकेट माइंड होगा आपका क्लियर माइंड होगा और आप लिख सकते हैं जाके वहाँ पे। और पढ़ने की चीज़ें अगर बात करें, जो कुछ नहीं किया और अभी से करना चाहता है और निकालना चाहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जीएस किसी भी प्रकाशन का, केबीसी नैनो का हिंदी इंग्लिश में आता है, अगर उसका आप लेना चाहे तो ले लें, कोई दिक्कत ना, किसी का भी पढ़ें, क्वेश्चन आंसर पढ़ा होना चाहिए, बीपीएससी का, किसी भी कोचिंग वोचिंग का नहीं, बीपीएससी का पढ़ें। दूसरा चीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है और आंसर ऑप्शनल पेपर का प्रिपेयर कर ले, और तीसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको प्रिपेयर कर ले, बस इतना बहुत है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एक बार देख ले, क्योंकि वहां से आपका मैक्सिमम पेपर 2 में कवर हो जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर बात करें, आंसर कैसे लिखे, तो आप जब भी लिखेंगे सॉल्यूशन तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट देना बहुत जरूरी है, ठीक है, और साथ ही साथ स्टैटिक्स के लिए बहुत सवाल आता है कि स्टैटिक्स के लिए क्या करना है, तो स्टैटिक्स में कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रीवियस 4 ईयर्स का विद कैलकुलेटर 50 बार सॉल्व कीजिए, 40 बार सॉल्व कीजिए, जितना बार सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करें, ताकि आपका जो है आप जो है आप वहां पे कंफर्ट रहे, ठीक है। और एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए आप कि क्या प्रोड्यूस करते हैं पेपर में, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया है, बट आप ढंग से कंटेन करके अपने नॉलेज को और स्ट्रीमलाइन करके आप एग्जाम में जो पूछा जा रहा हो नहीं लिखते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये चीज में नहीं पढ़े कि लोग बहुत पूछते कमेंट क्रिटिसाइज में क्या करेंगे, डिस्क्राइब में क्या करेंगे, डिस्कस में क्या करेंगे, मैंने उसका आपको तोड़ बता दिया है, उसका सभी सिंपल एक ही है, इंट्रोडक्शन लिखे हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो पूछा गया सब हेडिंग टेल्स पार्ट उसको लिखे, एड्रेस करें, अदर एंगल थोड़ा लिखे, चैलेंज लिखे उसके रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वे फॉरवर्ड लिखे, कंक्लूजन लिखे, बात खत्म, इतना ही करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसका टेल में नहीं पढ़ना कि डिस्कस क्या बोल रहा है, क्रिटिसाइज क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें का ये पूरा मैंने 6 पार्ट में आपको बता दिया। आप मुझे जो है amartya.at@gmail.com पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, एंड एज वेल एज जो है आप साथ ही साथ एडी अदर्स पे जो है मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, इफ आई विल हैव टाइम आई विल रिप्लाई देम, एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, प्रिपेयर हार्ड एंड प्रिपेयर, बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेल्थ बचा के रखनी है, हेल्थ प्रॉपर बचा के रखनी है, अभी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर फोकस रखना आप लोग को। दूसरी चीज़ है कि निगेटिविटी से बाहर रहें, र्यूमर्स से बाहर रहें, 1 महीने में नहीं हो सकता है तो एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, ऑप्शनल में मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे पटना में स्थिति खराब है, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एग्जाम अगर गवर्नमेंट लेती है, एग्जाम अगर बीपीएससी लेता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल कि हमको देना है एग्जामिनेशन, कल के डेट में आपको सर्विस करनी है, पब्लिक सर्विस करनी है, तो आपको सिचुएशन हमेशा ऐसा थोड़ी ना फेवरेबल मिलेगा, घर बैठे आपका एग्जाम होगा,
तो ये सब जो मिथ्स है उसके दिमाग में निकाले। और मिथ्स जो दो तीन बताते हैं कि टॉपर्स बहुत पढ़ते थे, मतलब दिन रात पढ़ते थे, दिन रात कोई नहीं पढ़ता यार, दिन रात कोई नहीं पढ़ सकता। तो दिन रात आप नहीं पढ़ें, हम हमेशा बोल रहे हैं आप टारगेट पे काम करें कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सिलेबस आंसर राइटिंग रिवीजन जितने टाइम में पूरा हो रहा है बस वेल एंड गुड है, आपका तो काम होने से मतलब है। कोई भी चीज जो है ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि कोई एक ऐसा आंसर या ऐसा बुक या ऐसा स्ट्रैटेजी ऐसा प्रिपरेशन है किसी का भी, हर कैंडिडेट का अपना अलग स्ट्रैटेजी अपना प्रिपरेशन होता है। मैं जनरलाइज बातें करने की कोशिश की है, तो आप जो है आपको जो अच्छा लगे उससे पिक करें, जो अच्छा नहीं लगे कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको एकोमोडेट करें। एंड मेरा एक ही बस मेरा जो एक ही इंटेंट है पूरा इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से जो है आप लोग से इंटरेक्ट करके जो है वो चीज़ों को बताया जाए कि जो एक कैंडिडेट के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता है। और फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी डिप्रेशन इज अ नॉर्मल थिंग नाउअडेज, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हर कोई अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सीरियस होता है, बिकॉज प्रिपरेशन कर रहा है बंदा इतना दिन से टाइम दे रहा है, अब वन मंथ एग्जामिनेशन के लगे आपको बहुत कुछ छूट रहा है एग्जाम में, बहुत कुछ जो हम लिख नहीं पा रहे, बहुत कुछ याद नहीं कर पा रहे, इट इज़ नॉर्मल थिंग। आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, किसी को याद नहीं, इवन मुझे किसी को भी नहीं याद रहता, इवन टॉप रैंकर को भी याद नहीं रहता। तो प्रैक्टिकल बात यही है कि आप जो है उन चीज़ों को याद करें जो आपको याद हो रहा है, आप क्वेश्चन बैंक को फोकस करके पढ़ें, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा करें, ठीक है। कोई भी ऐसी किताब उठा के पढ़ने लगा, कोई भी ऐसी मैगजीन मार्केट में आई पढ़ने लगा, ऐसे नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग को उठाए बनाने लगे ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इज द एपिटोम ऑफ द जिसको बोल सकते हैं कि आप प्रिपरेशन, अगर उसको आपने कर लिया, फोर ईयर्स को आपने बैठ के घर में सॉल्व कर लिया, डेफिनेटली विल सक्सीड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन द लास्ट कि एग्जाम एक जर्नी है एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल्युअर, एंड फेल्युअर इज नथिंग न्यू फॉर एवरीवन, है ना, फेल्युअर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप प्रिपेयर करें, अभी प्रिपरेशन पे फोकस रखें, क्या होगा बाद में उसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फेल्युअर एंड सक्सेस लाइफ जिसको बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ एवरीवन नोज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाने से आपका सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ खो जाएगा। प्रिपेयर पे स्टिक रखें, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिविजन, मॉक टेस्ट, इतना ही बहुत है, इतना आपने कर दिया लाइफ विल सेट। ओके, वंस अगेन वेरी थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू गाइज।